ए औलाद याकूब, याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया, और ये कि इस सारे जमाना पर तुम्हें बड़ाई दी। और डरो उस दिन से जिस दिन कोई जान दूसरे का बदला ना हो सकेगी, और ना काफिर के लिए कोई सिफारिश मानी जाएगी, और ना कुछ लेकर इसकी जान छोड़ी जाएगी, और ना उनकी मदद हो सकेगी। और याद करो जब हमने तुमको फिरौन वालों से निजात बख्शी कि वो तुम पर बुरा अजाब करते थे, तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते और तुम्हारी बेटियों को जिंदा रखते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी बला थी। और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया फाड़ दिया तो तुम्हें बचा लिया, और फिरौन वालों को तुम्हारी आँखों के सामने डुबो दिया। और जब हमने मूसा से 40 रात का वादा फरमाया, फिर इसके पीछे तुमने बछड़े की पूजा शुरू कर दी और तुम जालिम थे। फिर इसके बाद हमने तुम्हें माफ़ी दी कि कहीं तुम शुक्र करो। और जब हमने मूसा को किताब अता की और हक को बातल में तमीज़ कर देने के लिए शायद कि तुम हिदायत पाओ। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, तुमने बछड़ा बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया, तो अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू करो, तो आपस में एक दूसरे को पति करो, ये तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक तुम्हारे लिए बेहतर है। तो इसने तुम्हारी तौबा कबूल की, बेशक वही है तौबा कबूल करने वाला मेहरबान।